साल 2019 राहुल गांधी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव भी हारी और राहुल खुद अपनी अमेठी की सीट भी गंवा बैठे। लेकिन अभी तो जून का महीना ही चल रहा है, आधा 2019 तो अभी बाकी है। इस बीच मोदी ने राहुल गांधी को एक और झटका दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी पिछले 15 साल से जिस भारत तुगलक लेन में बतौर सांसद रहा करते थे, उसे सरकार ने खाली करा दिया है और जो नई सर्कुलर लिस्ट जारी हुई है उसमें राहुल गांधी का भारत तुगलक लेन भी शामिल है। ये सर्कुलर लिस्ट लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी की गई है। मतलब अब जो भी सांसद चाहेगा वो भारत तुगलक लेन वाले आवास का निरीक्षण कर सकता है और उसे पाने के लिए आवेदन कर सकता है। राहुल गांधी 15 साल से जिस बंगले में रहते हैं वो बंगला एक टाइप की श्रेणी में आता है और इस टाइप का बंगला सबसे बड़ा होता है। राहुल गांधी 2004 में जब पहली बार अमेठी से सांसद बने थे तभी से ये आवास उनके पास था। 2009 में भी यही आवास उन्होंने चुना और 2014 में भी यही आवास 5 साल के लिए उनका पता बना। इस बार राहुल गांधी अमेठी से तो हार गए हैं लेकिन वायनाड से उन्होंने जीत दर्ज करके दिल्ली में अपना आवास बचा लिया। लेकिन जो आवास उनके पास 15 साल से था वो बचेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।